नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको इस इंजन में, यह इंजन इतना ज़्यादा ऑयल खा रहा है कि 2 ही 3 घंटे में सारा मोबिल उड़ा के सीआर बेयरिंग को भी खा गया है। इसमें बॉडी बहुत गर्म हो रही, मोबिल भी दोबारा डाला गया है। फिलहाल इसकी कोई सलूशन नहीं निकला है, क्योंकि मैंने फ़ोन पे ही बताया था इसमें रिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, बोर के भी प्रॉब्लम हो सकती है, और डीजल की कोई समस्या नहीं है इसमें। डीजल अपनी जगह पे ठीक है, ऑयल की खपत कर रहा है, और सीआर बेयरिंग भी गर्म होकर बैठ गया है इंजन। तो देख सकते हैं हमारा ये, मैंने ओपन किया है हेड, जिसमें हल्की लाल जैसा दिखाई दे रहा है। तो मोबिल उठाने की शिकायतें होती हैं कि यहाँ पे ऑयल आ रहा है और जल रहा है। तो हम सीआर वायरिंग को भी मैंने ढीला कर लिया है, और ब्लॉक बॉडी को हम नीचे उतार के इसको सेट करेंगे। क्या क्या समस्या निकलती वो भी बताएंगे। हेड में देख सकते हैं हेड की क्वालिटी, हेड भी सही है और गैसकेट भी सही है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम ब्लॉक बॉडी को उतार के उसके बाद में चेक करेंगे, इसकी कट देखेंगे क्या कटा हुआ है, रिंग की समस्या है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं हमने सीआर बेयरिंग को ओपन किया है, कनेक्टिंग रॉड में जो लगा होता है। ये देख सकते हैं दोनों सीआर बेयरिंग इतने ख़राब हो गए हैं, तो इंजन कैसे काम करेगा। इसमें देख सकते हैं ऑयल रिंग बिल्कुल बैठ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल रिंग में जो कोर होती है इधर उधर, वो बिल्कुल इसमें नहीं रह गई हैं। तो मोबिल की खाने की स्पीड इसी रिंग से बनती है। और इसमें लाइनर को भी हम साफ़ करके आपको दिखाएंगे। पहले क्रैंक शाफ्ट की त्वचा को देख लेते हैं कैसी है। इसको इसमें हल्का रेग मॉल से पॉलिश करना पड़ेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे पॉलिश करना है आपको। तो पिस्टन की कंडीशन देख सकते हैं आप इसे, और यहाँ पे हम लाइनर की कंडीशन दिखाना चाहेंगे। लाइनर के बहुत अच्छा है, मगर लाइनर में कट बन गया है। लाइनर अपनी समय सीमा तक पहुँच चुका है, तो ये बदला भी जा सकता है और इसको काम में भी लिया जा सकता है, मगर कुछ दिक्कतें हो सकती, हो सकता है ऑयल उठाना ना बंद करे। तो यहाँ पर मैंने कुछ सामान मंगाने के लिए लिस्ट बनाई है, जिसमें रिंग, सीआर बेयरिंग, रेगमाल, मोबिल 3.5 लीटर, 1 बोल्ट पैकिंग, लॉकर पैकिंग दोनों। तो ये यहाँ पे हमने रिंग मंगाई थी, मगर इसमें यहाँ पे लाइनर पिस्टन नया आया है। तो यहाँ पे सब कुछ सफाई होने के बाद में नया सामान भी हमारा उपलब्ध हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे रिंग की जगह हमने लाइनर ही मंगवा लिया है, ताकि बार बार इंजन को ओपन ना करना पड़े। पिस्टन की क्वालिटी को आप देख सकते हैं और लाइनर की क्वालिटी को देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का नाम पड़ा हुआ देख सकते हैं, गोट्स, इसमें गोट्स कंपनी का लाइनर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मैंने एक दो जगह इसको फिटिंग भी किया है, तो अभी कोई किसी तरह की शिकायत हमें नहीं मिली है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये गैरेज माल मैंने क्रैंक पॉलिश करने के लिए मंगाया है, गैसकेट भी न्यू आया है, ये देखिए सीआर बेयरिंग स्टैंडर्ड CL AV1। यहाँ पे हम इसको भी क्लियर करते हैं, क्योंकि ये मैंने कनेक्टिंग रॉड में लगा दिए, तभी मैंने आपको ये कागज़ की होल बॉडी दिखाई है। ये देख सकते हैं इसकी लाइनर पिस्टन की होल बॉडी का कवर, गोट्स पावर MS 87.5 mm इसकी लाइनर पिच होती है। इसमें कितनी कंपनियां भाग रही है, सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है। मोबिल हमारा वही जाना पहचाना नाम सर्वो इंडियन ऑयल का है। इस कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी का मोबिल मिलता है। तो हम लाइनर को उखाड़ेंगे, क्योंकि लाइनर जब हमारा नया आया है तो नया ही फिट करेंगे, पुराना फिट करने से हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लाइनर को उखाड़ लिए हैं, और इधर क्रैंक पॉलिश कैसे की जाती है ये भी देख सकते हैं। ये हमारा रस्सी से क्रैंक पॉलिश ऐसे किया जाता है, ताकि वो जैसे था वैसे ही शाइनिंग मारे।
तो यहाँ पे रस्सी के जरिए क्रैंक पॉलिश की जाती है। आप कर सकते हैं अपने आप से भी या कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस कोर को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। लाइनर को देख सकते हैं कितनी दिक्कत से निकला है। तो हम लाइनर को भी फिट करने के लिए तैयार हैं। बॉडी पे रखने के बाद में इसमें हल्का हल्का ग्रीस लगाएंगे ताकि लाइनर अच्छी तरह से अपनी जगह पे स्थिर बैठ जाए और वाटर लॉक जो लगा होता है वो बच जाए, क्योंकि वाटर लॉक की जो रबड़ होती है ये बच जाए, फिर और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहीं से ऑयल में पानी जाने की शिकायत बनी रहती है। तो ऐसा करने से आप इसको अच्छे से, ज़्यादा ठुकाई ना करें, हल्का ठुकाई करके हेड, और या ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप हेड को रख के उसे टाइट कर सकते हैं। तो मैं तो इसे हेड पे, ये थोड़ा टाइट यहाँ पे जा रहा है, तो इसको हम हेड के ज़रिए ही इसको फिट करेंगे। तो यहाँ पे हेड को रख के और हल्के 2 वोल्ट लगा के हम टाइट कर देंगे। ये हमारा टाइट करने के बाद में ऐसा बिल्कुल आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो ठीक ठीक सीट पे जा चुका है। तो यहाँ पे हमारा लाइनर फिट हो चुका है। पिस्टन को भी हमने कनेक्टिंग रॉड में फिट कर लिया है, पिस्टन लॉक भी लगा दिए हैं, सीआर वायरिंग को भी फिटिंग कर लिया है, और यहाँ पे हमारा लाइनर मैंने रख दिया है ताकि हम रिंग को अच्छी तरह से फिट कर सकें। तो हम रिंग में हल्के हल्के मोबिल लगा के रिंग के सारे कोने, जो कोर होते हैं, जो रिंग के गैप कट होते हैं, ये आपको इधर उधर लेफ़्ट राइट कर देना है। आमने सामने किसी भी रिंग का होल कट नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम या ऑयल की खपत हो सकती है। तो इस चीज़ों को मैं बार बार बताता हूँ, इन चीज़ों से सचेत रहें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए फिटिंग करने के बाद में दोबारा खोलना पड़े। तो देख सकते हैं इसको हल्के हल्के से हम हाथों से रिंग चढ़ाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे रिंग अच्छे से चढ़ाएं, और इसमें ऑयल रिंग भी लास्ट में होती है, इसको कभी कभी धोखे से टूट जाती है। तो यहाँ पे हम इसको फिटिंग करके हम बॉडी पे भी रखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। वीडियो अच्छा हमारा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही आपको वीडियो बनाते रहें। इसके नट बोल्ट जो कनेक्टिंग रॉड और इसका कंप्लीट करके हम इसको फिट कर दिए हैं। इतना यहाँ तक हमारा काम फाइनल हो चुका है, ब्लॉक बॉडी तक। अभी डीजल लाइन को भी क्लियर करना है, हेड को भी क्लियर करना है, ये सब आप देख सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा समय, बहुत बड़ा वीडियो होगा इसके चक्कर में, क्योंकि सब आपको दिखाना भी है, कोई चीज़ छूटे ना। तो मैंने ग्रीस लगा के गैस्केट को रखा है, ताकि कभी कभी आपने देखा होगा ना, सूखा गैसकेट लगाने से कभी कभी पानी इधर उधर आपको दिखाई देने लगता है, तो ग्रीस के ज़रिए ये पानी रोका जा सकता है। और कितनी भी बार इसको ओपन करें, आपका गैसकेट सुरक्षित निकलेगा। इसलिए हम ग्रीस लगाते हैं, क्योंकि दोबारा अगर एमरजेंसी में खोला जाए तो आपका गैसकेट ख़राब ना हो। तो हमारा अब हेड यहाँ पर हम इसको फिट करेंगे, उसके बाद में रॉकर बॉक्स को भी फिट करेंगे, उसके बाद में डीजल लाइन को भी। तो बने रहिए, हम ऐसे ही आपके साथ चलते रहेंगे और आपको वीडियो कंप्लीट करके इंजन को स्टार्ट करके दिखाएंगे। देख सकते हैं हमारा इंजन कंप्रेसर बिल्कुल तैयार कर दिया है, और पुश रॉड को भी हम फिट कर देंगे, क्योंकि हेड हमारा कंप्लीट पक्का टाइट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा रॉकर बॉक्स रखने के लिए हम तैयार हैं। लाइए हमारा रॉकर बॉक्स को रखें, ताकि हम इसको फिट कर सकें। इसको रॉकर बॉक्स रखने के बाद में हम इसको ये करेंगे कि इसको टाइट करने के बाद में पुश रॉड जो होते हैं रॉकर लीवर, तो इसको हम स्पेस से इसको सेटिंग कर दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि इसमें रात ध्यान रखने के ये देखते हैं, थोड़े थोड़े दोनों में स्पेस होना चाहिए, ऐसी जगह पर इनको फिटिंग करना चाहिए। डीजल लाइन को भी हमने क्लियर कर ला है, क्योंकि डीजल लाइन में कोई समस्या नहीं थी, तो इसको हमें सिर्फ हमें यहाँ पे सेटिंग ही करना था। तो हमारा ऑयल पड़ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग के लिए तैयार हैं, इसको ऊपर की जो कैप है इसको हम ऑफ करेंगे, बंद कर देंगे, उसके बाद में हम इंजन को स्टार्टिंग के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमारा
सिस्टम ठीक से फिटिंग हुआ है, कोई दिक्कत आ रही है, क्या आ रहा है, तो हम अभी आपको पहले ही हैंडल में स्टार्ट करना दिखाने का प्रयास करते हैं। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया है इंजन को कंप्लीट फिटिंग, देख सकते हैं। इसको मैंने बोरवेल पे ट्रायल किया था, फिलहाल वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि हमें थोड़ा काम की जल्दी के कारण यहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो बना बना के देते रहें। और वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि यहाँ तक आप इस वीडियो तक पहुँचे। अब वीडियो इंजन की स्टार्टिंग को देख के आप लगता होगा, देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कि ये ऑयल की ही खपत कर रहा था और कोई समस्या नहीं थी। हल्का हल्का वाइट स्मोक भी लगा रहा था, दे रहा था। यहाँ पे अभी हल्का हल्का आपको धुआं इसमें भी दिख रहा होगा, क्योंकि अभी ये अभी पहली स्टार्टिंग पे है, थोड़ा ऑयल उठा सकता है नीचे से। वीडियो इंजन को बंद करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो संपूर्ण देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी तरह।